5 जनवरी 2022 दिन मंगलवार, जैसे ही मुझे यह सूचना मिली, अनाथ बच्चों की माँ सिंधु ताई अब इस दुनिया में नहीं रहीं। सच पूछो, बहुत दुख हुआ। खुद अनाथ होते हुए अनाथ बच्चों की माँ बनना कितना कठिन काम है। खुद बेसहारा होते हुए लोगों का सहारा बनना कितनी बड़ी बात है। संपूर्ण जीवन सिंधु ताई ने अनाथ बच्चों के लिए समर्पित किया। अपने जीवन काल में लगभग 2000 अनाथ बच्चों को गोद लिया। आज उनके परिवार में 207 दामाद, 35 बहुएं और 1000 से भी अधिक नाती नातिन, पोते पोती हैं। सिंधु ताई वैसे तो किसी परिचय की आवश्यकता नहीं, मोहताज नहीं, लेकिन सबसे पहले ईश्वर से मेरी यही विनती है कि हे ईश्वर, इस पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करें, श्री हरि अपने चरणों में स्थान दें। श्रद्धा सुमन के रूप में इस वीडियो के माध्यम से आपको सिंधु ताई का जीवन चरित्र 4 शब्दों में बताने जा रहा हूं, सुनाने जा रहा हूं। जरूर देखें, जरूर सुने, इससे शक्ति जरूर मिलेगी उस नारी को, उस स्त्री को जो असहाय अपने को समझती हैं, कमजोर समझती हैं, बेसहारा समझती हैं। निश्चित सिंधु ताई के इस चरित्र कथा से जरूर शक्ति मिलेगी। साथियों, सिंधु ताई का जन्म 14 नवंबर 1948 महाराष्ट्र के वर्धा में हुआ था। पिता अभिमान साठे, जानवरों को चराने का कार्य करते थे, यानी कि चरवाहा थे। लैंगिक भेदभाव उस समय बहुत था। लड़कियों का कॉलेज जाना, स्कूल जाना, शिक्षा ग्रहण करना लोगों को पसंद नहीं था। बचपन का नाम सिंधु ताई का चिंदी था, तो चिंदी की माँ कभी भी यह नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी स्कूल जाए या पढ़ाई करे, लेकिन पिता के सहयोग से सिंधु ताई ने चौथी तक शिक्षा ग्रहण की। 11 साल की आयु में अपने से 20-30 साल बड़े व्यक्ति के साथ विवाह हो गया इनका, जिनका नाम श्री हरि शकपाल था। सिंधु ताई, जिनका बचपन का नाम चिंदी था, चिंदी श्री हरि शकपाल हो गई। 20 साल की आयु तक आते आते सिंधु ताई 3 बच्चों की माँ हो गई। तीनों बेटे थे। सिंधु ताई अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठाती थी। इसलिए जब गांव का मुखिया मजदूरों के पैसे नहीं दे रहा था, जो उनकी मेहनत का था, तो उसकी शिकायत सिंधु ताई ने कलेक्टर से की। मुखिया को अपमान महसूस हुआ,
और अपमान का बदला लेने के लिए जब सिंधुताई चौथे बच्चे की मां बनने वाली थी, यानी कि गर्भवती थी 9 महीने की, तो मुखिया ने सिंधुताई के पति को उकसाया अवैध यौन संबंध के बारे में बताया, जिससे नाराज होकर सिंधुताई के पति ने सिंधुताई को मारा, पीटा, अधमरा किया और घर से बाहर निकाल दिया। एक तबेले में उसी रात सिंधुताई ने बेटी को जन्म दिया। चूंकि पति ने घर से बाहर निकाल दिया था, सहारा कोई था नहीं, इसलिए जब सिंधुताई माँ के घर गई तो माँ ने भी मुंह मोड़ लिया, घर में नहीं लिया। बेसहारा अनाथ सिंधुताई रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां पर किसी तरीके से भीख मांगकर स्वयं का और अपनी बेटी का जीवन यापन करने लगी। राहगीरों की नियत बदनियत के चलते स्वयं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिन में सिंधुताई रेलवे स्टेशन पर भीख मांगती और रात में शमशान में जाकर रहती। लेकिन इससे भी जीवन आगे नहीं बढ़ने वाला था। सिंधुताई ने कई बार आत्महत्या का भी प्रयास किया। एक बार जब वो भीख मांगने गई तो कभी कभी कुछ भी नहीं मिलता था, भूखा रहना पड़ जाता था। एक बार उन्होंने प्रयास किया कि आज अगर भीख नहीं मिली तो आत्महत्या करेंगे, लेकिन उस दिन उल्टा हो गया। भीख में बहुत ढेर सारी रोटियां मिली, उन्होंने खुद खाया और खा पी कर आत्महत्या करने के प्रयास से अपने पेट में बाकी की रोटियां बांधी। जा रही थी आत्महत्या के ही विचार से, लेकिन रास्ते में एक व्यक्ति उनको दिखा जो बीमार था। उसके बाद वो उसके पास गई, देखा तो उसे बुखार भी था। खाने के लिए अन्न का दाना मांगा, रोटी भाखरी जो थी उस व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को सिंधुताई ने दी, जिसे खाकर पानी पीकर सिंधुताई के वो पैरों पर गिर गया व्यक्ति और बहुत आभार माना, धन्यवाद दिया। सिंधुताई ने उसी समय सोचा, मैंने किया ही क्या, केवल एक छोटा सा सहारा दिया इस व्यक्ति को, और ना जाने कितने अनाथ इस तरीके के हैं। आज से उन्होंने उसी समय से निर्णय लिया कि हम अनाथों की सेवा करेंगे। धीरे धीरे उन्होंने देखा बच्चे जो रेलवे स्टेशन पर सड़कों पर भीख मांगते थे उनको अपने साथ लिया। खाने पीने का तो इंतजाम हो जाता था, लेकिन इससे तो सब कुछ होने वाला नहीं था। सिंधुताई के मन में आया कि इससे सिर्फ बच्चे जो हमने गोद ले रखे हैं वो खा पी के पेट तो भर लेंगे, लेकिन सिंधुताई चूंकि जैसा मैंने पहले बताया एक शक्ति थी, पुण्य आत्मा थी, इसलिए
उनके मन में हमेशा ये रहा कि ये जो बच्चे आज हमारे पास हैं उनकी शिक्षा भी हो, उनकी अच्छी परवरिश भी हो। वैसे भी रेलवे स्टेशन पर वो कविता करती थी, गाने गाती थी, खनखनीत आवाज थी, इसलिए उनको भीख में अच्छा धन मिल जाया करता था। धीरे धीरे उन्होंने आगे बढ़ने को सोचा और एक बार पुणे में एक सभा हो रही थी, तब 8-10 ही अनाथ बच्चे थे इनके पास, तो इन्होंने सोचा कि कैसे इन बच्चों का पालन होगा, कैसे कहाँ रहेंगे, कहाँ क्या करेंगे। सबसे पहले यह निर्णय लिया क्योंकि अनाथ बच्चों के पालन में अपनी सबसे पहले बेटी जो खुद के पेट से पैदा थी वो अड़चन इनको समझ में आने लगी, क्योंकि अनाथ बच्चों के पालन में ममता जागृत ना हो इसलिए इन्होंने श्री दगड़ू सेठ हलवाई पूना ट्रस्ट में अपनी बेटी को गोद दे दिया और यहीं से बचपन का नाम जो चिंदी था, विवाह के बाद चिंदी श्री हरि शकपाल हुआ। वहीं जब अपनी बेटी को श्री दगड़ू सेठ हलवाई के यहाँ गोद दे दिया, ये सिंधु बनी और इन्होंने जो भी बच्चे इनके संपर्क में अनाथ आते गए सबको अपने साथ लेकर सेवा भाव से खाने पीने का इंतजाम करना शुरू कर दिया। लेकिन इतना ही काफी नहीं था, बच्चों की संख्या बढ़ रही थी तो निश्चित मान लें, और इनको सबसे ज्यादा उन बच्चों के शिक्षा की थी। तो एक बार पुणे में एक कार्यक्रम था जहां पर सब बड़े बड़े लोग उपस्थित थे, ये उस कार्यक्रम के हाल तक पहुंच गए और वहां पर लोगों ने यह सोचा, इनका हुलिया देखकर, पहनावा देखकर कि कोई साफ सफाई वाली होगी, झाड़ू पोछा वाली होगी, इसलिए हॉल में एंट्री करते समय इनको किसी ने रोका नहीं। एक महाशय का भाषण खत्म हुआ, ये तुरंत सिंधुताई उस मंच पर पहुंची और इन्होंने माइक थामा। माइक थामते ही, चूंकि इनकी वाणी बहुत ओजस्वी थी, खनखनीत आवाज थी, इन्होंने अपने कार्यों को बताया कि अब ये है, मेरे साथ बच्चे हैं, मैं शिक्षा देना चाहती हूँ उनको, अनाथ बच्चों की सेवा करना चाहती हूँ। तो ये जब इतना बोल रही थी तो वहाँ सारे संभ्रांत लोग, बड़े बड़े लोग इन सब बातों को सुन रहे थे। इन्होंने अपनी बात खत्म की, सारे लोग वहाँ पर बैठे लगभग इनसे प्रभावित हुए और उसी समय उस सभा में फिल्म अभिनेता सुनील दत्त भी थे, जिन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं, बिल्कुल हम सब आपकी मदद करेंगे, और वहाँ कई बड़े बड़े लोगों ने मदद की। इनको आश्रम बनाना था, उसके लिए धन दिया, जगह दी, सब कुछ उपलब्ध कराया और यहीं से सिंधुताई की चर्चा जनमानस में होने लगी। और चर्चा ही नहीं होने लगी,
वक्त जैसे जैसे काल आगे बढ़ता गया, इनके हौसले, इनके संघर्ष और इनकी नीत नियत, क्योंकि इरादे नेक हो तो सपने भी साकार होते हैं, अगर सच्ची लगन हो तो रास्ते आसान होते हैं, तो ऐसे हौसले को लेकर सिंधुताई जीवन भर चली, अनाथों की सेवा की भावना हमेशा रही। तो इसलिए जिन बच्चों को सहारा दिया तो उनमें आज बच्चे, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, सब उच्च पदों पर हैं, तो कोई अनाथ आश्रम भी चला रहे हैं। इनका नाम दुनिया में फैलने लगा, भारत ही नहीं विश्व स्तर पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से, पद्मश्री पुरस्कारों से, राजकीय पुरस्कारों से इनका सम्मान किया गया। इनको लगभग लगभग सिंधुताई को 273 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार से महाराष्ट्र राज्य सरकार ने भी सम्मानित किया है। 2010 में सिंधुताई के ऊपर एक मराठी फीचर फिल्म बनी, जो 54वें लंदन चित्रपट महोत्सव में चुनी गई, बहुत बड़ी बात है। संघर्ष करते हुए, खुद अनाथ होते हुए अनाथों की मां बनना, खुद बेसहारा होते हुए लोगों का सहारा बनना। एक गाना याद आता है, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तो अनाथ होते हुए अनाथ बच्चों की मां बनना इनका स्वप्न जो था, वो अपने ही जीवन काल में इन्होंने संघर्ष करते हुए पार किया। सम्मान की दृष्टि हर हस्ती, कोई ऐसा नहीं जो इनका सम्मान ना किया हो। अमिताभ बच्चन ने इनके पैर छुए, बड़ी बड़ी हस्तियां नतमस्तक हुई इनकी समर्पण और सेवा का भाव देखकर। ऐसी पुण्य आत्माएं बार बार जन्म नहीं लेती। सिंधुताई हमेशा तुम अजर हो, तुम अमर हो, तुम आपने समाज के लिए इतना किया कि लोग कभी आपको भूल नहीं पाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो नारी, जो महिला, जो स्त्री अपने को, खुद को कमजोर समझती है, वो सिंधुताई से के कार्यों को देखते हुए सिंधुताई से सीख ले कि कैसे जीवन में कितना भी संघर्ष आए लेकिन घबराना नहीं चाहिए, डट कर सामना करना चाहिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, दूसरों के लिए जी कर देखो, अपने आप दुनिया में नाम हो जाता है। अपने लिए तो जानवर भी जी लेते हैं, अगर इंसान है तो इंसान के काम आए। हम मेरी ओर से एक बार फिर ईश्वर सिंधुताई की आत्मा को शांति प्रदान करें, प्रभु श्री हरि अपने चरणों में स्थान दें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।